नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। आज दिन भर आप सुन रहे हैं हमारे साथ महिलाओं के मन की बात। इस वक्त मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनके अध्यापक साहिबान भी मौजूद हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वर्षों से हम महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या कोई बदलाव समाज में आया? क्या कोई बदलाव उन महिलाओं की जिंदगी में आया जिनके लिए महिला दिवस मनाया जाता है? नई जनरेशन, नई पीढ़ी क्या सोचती है, उनसे बात करेंगे। उनके आसपास जितनी महिलाएं हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से आज के दिन को देखते हैं, ये बात करेंगे। और स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का और उनके टीचर साहिबान का। तो लीजिए बात की शुरुआत। हम आपको ये बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि जिन चेहरों को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों से यहाँ इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं। तो आज एक लघु भारत हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम बातचीत करेंगे इस अहम मुद्दे पर कि कैसे वो अपने आसपास की महिलाओं को, वो महिलाएं रिश्ते में माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो पत्नी भी होती है, वो दोस्त भी होती है, उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग बात शुरू करना चाहते हैं वो हाथ अपना खड़ा करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने प्रदेश का नाम बताएंगे और अपनी बात कहेंगे। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा आप में से? आपका नाम? मेरा नाम तरगुन है, मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। मैं ये कहना चाहूँगी, महिला दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं एंड हर साल इस दिवस पे हम कुछ ना कुछ करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस दिवस को हम एक तरीके से जैसे बेहतर बना सकते हैं, महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज के दौर में जैसे बहुत मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, उसमें अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस ऐसे दिवस का कोई पॉइंट नहीं है। सो हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा एंड एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि सब महिलाएँ एक दूसरे के लिए बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तरगुन। तरगुन उत्तराखंड से, और तरगुन ये कहती हैं कि महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। क्या महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती? जी, आपका नाम और आप कहां से हैं? सर, माय नेम इज लीलिना एंड आई एम फ्रॉम मणिपुर। आई जस्ट वांट टू शेयर वन इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी। लाइक एक्चुअली आई वाज वेयरिंग एन ऑफ सॉल्सो ड्रेस एंड आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ फ्रूट्स, बट आई वाज क्रिटिसाइज्ड बाय अ वुमन। सो दैट शोज दैट we are not being a woman, we doesn't support each other. So if we want to live a better society, or if we want to fight against the violation that has been, you know, suffered by the women, that is, it is a very trend nowadays. So for that we have to support each other, and instead of criticizing we should face against these things. Kya pehenna chahiye, kya pehenna jaye, ये सबसे बड़ी चॉइस होती है और ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन अगर इसको लेकर भी और महिलाएं कटाक्ष करेंगी तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप कुछ कहना चाहते थे? सर, मेरा नाम है लावण्या, मैं हरियाणा की हूँ। और आई वांट टू से कि उसने जो उन्होंने जो बोला वो पॉइंट बिल्कुल सही है। द पॉइंट इज कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, अब नहीं है। आजकल जो मेल है वो ज़्यादा लड़कियों को, यू नो, सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। अगर एक लड़की शॉर्ट ड्रेसेस पहन के बाहर जा रही है तो सबसे पहले जो क्रिटिसाइज करती है वो एक वुमन होती है दूसरी वुमन को। बिकॉज आई डोंट नो क्या क्या रीजन है, क्या नहीं है, बट वुमेन आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त का। और क्योंकि तीन रिएक्शन जो आए हैं, तीनों में कहीं ना कहीं बात यही है। आपका नाम और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम है ऋषभ अग्निहोत्री और मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरे कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। आज के पुरुष प्रधान समाज में औरतों को भी उतनी इज्जत मिलती है जितनी एक पुरुष को मिलती है। सो अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम उतनी ही इज्जत एक महिला को दे सकते हैं जितना हम लोग एक पुरुष के तौर पर चाहते हैं। अगर ऐसा जिस दिन बदलाव होगा उस दिन हम रोज़ महिला दिवस मना सकते हैं और असलियत में ये होगा कि हाँ, देश में कुछ तरक्की हुई है। असलियत में कुछ ऐसा होगा कि देश में तरक्की हुई है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो ये कह रहे हैं हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया हो चुका है, उसमें नई नई तकनीक आ रही हैं, नया सोशल मीडिया का विस्तार जो है वो इतने बड़े स्तर पर हो चुका है, क्या ये सब होने के बाद भी अभी और क्या करना बाकी है? एक दोस्त हमसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम रमनीश शर्मा और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। देखिए, जहाँ तक अभी शॉर्ट ड्रेसेस की बात हुई थी तो मैं इस पर टारगेट करना चाहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को। हमारे पॉलिटिशियंस जब भाषण देते हैं तो उनकी सोच ही ऐसी होती है कि लड़कियाँ अगर शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी तो लड़कों का मन उछलेगा।
जो कि एकदम गलत है। हमारे लीडर्स को तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लीडर्स ऐसे होंगे तो उनके फॉलोअर्स भी ऐसे होंगे। सो सबसे पहले तो लीडर्स की सोच बदलनी होगी, बाकी यूथ की तो सोच आजकल, जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, आजकल फीमेल ज़्यादा डोमिनेट हो रही है मेंस पर। सो कहीं ना कहीं ये है कि अब फीमेल्स का ज़माना आ गया, मेल्स का ज़माना नहीं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है, अब फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और जो दौर है उस दौर में महिलाओं को बराबर का हक मिलता है, बराबर की चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों? क्या अब भी कुछ और किया जाना चाहिए? आप कश्मीर से हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मे बी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर अभी इक्वालिटी है फीमेल और मेल में, पर बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे भी बहुत सारी तरक्की करने की ज़रूरत है। हम कश्मीर में अगर देखें तो देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलती है मेल और फीमेल को। तो अगर हम ये बोले कि फीमेल भी डोमिनेटिंग है तो ये गलत है। हर जगह पे ऐसा नहीं है, वी हैव टू लुक एट एवरी आस्पेक्ट। तो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन बदलाव आएगा कैसे, सवाल तो इस बात को लेकर भी है। बदलाव हम राजनेताओं की सोच कैसे बदलेंगे? राजनेताओं को तो चुनने वाले हम लोग हैं। बदलाव किसके अंदर लेकर आना है? क्या हमें बाकी की सोसाइटी में बदलाव लाना है या अपने आप में बदलाव लेकर आना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरा नाम बेला सिंह तोमर है और मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबने बताया कि वुमेंस को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती या वुमेंस उनके लिए स्टैंड नहीं लेती। लेकिन सर मैं ये बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश बनारस से मैं हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला पॉलिटिक्स में आ रही हैं। वो अपने आप बढ़ा मतलब अपना दिखा रही कि वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहती हैं। मैंने कई एग्जाम्स देखे उत्तर प्रदेश स्टेट के कि जहाँ पे मेंस से ज़्यादा औरतें वहाँ पे ज़्यादा वो कर रही हैं, एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रही हैं, यूपीपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस के हो। तो महिला खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और उनके घर की महिला जो उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, इवन कि मैन उनको सपोर्ट करे। यानी बदलाव कहीं ना कहीं से शुरू हो चुका है, बदलाव हो भी रहा है, पर उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम तन्मय है, हिमाचल प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। सर हमारे पास आज जो हम यहाँ पे मना रहे हैं वुमेंस डे, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेंस डे सिर्फ इंडिया में या भारत में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल दिन है। ठीक है, यूपी की बात करें या करनाल की बात करें या कहीं की भी बात करें, अगर चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है, लेकिन इस वुमेंस डे पे एक नया हैशटैग भी शुरू हुआ है जो कि है बैलेंस टू बेटर। सर इस हैशटैग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सोचने वाली बात ये है, बदलाव आ रहा है लेकिन बहुत धीमे आ रहा है, और सर गति तो चाहिए, इसे गति चाहिए। बदलाव आ रहा है, बैलेंस टू बेटर एक नया हैशटैग शुरू है। टीचर साहिबान से भी हम लोग बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं। ये तो स्टूडेंट्स की राय थी। मैम आप क्या कहना चाहती हैं? आई थिंक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बात करते कि मैन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए? जब तक उनमें बदलाव नहीं आएगा, हमारे में बदलाव नहीं आएगा। हम सोसाइटी की बात करते हैं, पहले हम अपने आप को चेंज करें। तो जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज कर पाएंगे, हम ना मैं अपने दोस्त को कर सकती हूँ, ना मैं अपने माँ बाप को कर सकती हूँ। और जहाँ तक रह गई है कि चेंज आपसे शुरू होता है, तभी आप बदलाव के बारे में सोच सकते हो। चेंज बदलाव जो है वो एक व्यक्ति से शुरू होगा, एक शख्स से शुरू होगा और उसके बाद पूरी सोसाइटी में जाएगा। अभी सर हमसे बात करना चाहते हैं, आप अपना नाम बताइएगा और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अतेंद्रपाल सिंह है तो मैं मोगा पंजाब तो बिलोंग करदा। जदों भी मैं ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस देखी है साड़ी सोसाइटी दे विच बदलाव की गल की जाती है। बदलाव यदा मतलब ये है भी जिहड़ी हुण स्टेज पर अज दी औरतां वह सही नहीं, ता ही तो बदलाव लिया की जरूरत आ। पर मैं ये कहना चाहना भी देखो जो नेचर ने औरतों के पेशेंस ज़्यादा दिती है, औरतों का कोई काम कर दी उन्होंने हाथ में सफाई ज़्यादा होंगी है, मर्द आ जोड़े उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा दिती गई है, वह बाहर जाके खेतों के काम करते धन कमाते औरत घर यदा। हम साढ़े लोग की कहें भी जिदन औरतां शायद मतलब कि एक वड्डे लैवल ते पहुँच जाणगियां उदन ही बराबर होणगियां, पर नहीं बराबर। मेरा कहने का मतलब यह आ भी जे औरतां घर विच भी काम कर रही तो जरूरी नहीं कि वह दबिया हुई उन्हां च भी उन्नी ही कुशलता जिनी कि बाकी जो बाहर काम कर रही दोनों बराबर ने।
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਮਰਦ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ 360 ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਏਗਾ ਤਬ ਜਬ ਘਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ मैं श्रद्धा पांडे महाराष्ट्र मुंबई से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ मैं रात के 11-12 बजे तक भी अगर बाहर हूँ आई एम वर्किंग और आई हैव गॉन फॉर अ पार्टी मेरे माँ बाप ने ना मेरे में ना मेरे छोटे भाई में कभी अंतर किया इस बारे में मैं बाहर चाहे जितनी रात भर रहूँ हाँ फ़ोन ज़रूर आएगा कि हाँ आप ठीक हो आप सेफ हो और ये फ़ोन हर माँ बाप करते हैं जो कोई भी अपने बच्चों के लिए वरिड होते हैं जो दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो ये जितनी भी वर्किंग वुमेंस हैं जो हाई पोस्ट पे होती हैं उनके लिए एक चीज़ बोली जाती है मोस्ट ऑफ कि एक गलत काम या किसी गलत वजह से ये लोग वहाँ तक पहुँची हैं तो ये सच नहीं है तो आप अपनी सोच इस बारे में प्लीज़ चेंज कीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं मैं आरुषि रावत हूँ मैं यूपी मेरठ से हूँ मैं मैम से बिल्कुल कम्प्लीटली अग्री करती हूँ ना तो अब यहाँ पे ये देखना चाहिए कि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में या फीमेल सबसे पहले एक इंसान को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए सबसे पहले एक इंसान को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए ये बहुत बड़ा विजन है आपके पास मैं आता हूँ लेकिन अभी यहाँ एक और दोस्त है जो कहना चाहते हैं कुछ अपना नाम बताइए और आप कहाँ सर मेरा नाम उत्सव ठाकुर है मैं झारखंड से हूँ धनबाद से और काफ़ी अच्छा दिन है वुमेंस डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं फादर्स डे हम मनाते हैं मदर्स डे मनाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो पर्टिकुलर डे है उसी दिन हमें याद आता है कि आज वुमेंस डे है आज फादर्स डे है आज मदर्स डे है लोगों के स्टेटस लगते हैं एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक लड़की का अगर रेप होता है तो उसके नेक्स्ट डे हम कैंडल लेके निकल आते हैं बहुत भीड़ होती है रोडों पर नारे लगते हैं लेकिन अगर वो लड़की बच जाती है किसी रीज़न से तो हम ही लोग हैं जो हम उसको सर्वाइव नहीं करने देते ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम बात तो करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ हम करते नहीं है हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते सर यानी बात वहीं आकर रुकती है कि जब तक हमारी इंडिविजुअल सोच नहीं बदलती तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे एक दिन के लिए कैंडल लाइट लेकर कैंडल लाइट मार्च निकाल देना क्षमाएं रोशन करना नारेबाजी करना बहुत बड़े बड़े जुमले जो हैं उनकी बात करना और दिन मना लेना ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है आप कुछ कहना चाहती हैं मेरा नाम नम्रता है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ जैसे कि आज वुमेंस डे है लेकिन बदलाव हो रहा है लेकिन बदलाव अभी भी और भी होना बाकी है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सबरीमाला मंदिर पे तो उसके बाद भी हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे महिलाओं को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पंडित वहाँ के पंडित भी ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए वो द्वार ना खोले जाएँ मंदिर के द्वार ना खोले जाएँ तो अभी भी कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है धार्मिक मान्यताएं जो हैं धार्मिक मुद्दा ये बहुत बड़ा रहा है सबरीमाला मंदिर का महिलाओं के प्रवेश को लेकर और ऐसे कई और मंदिर हैं जहां पर इस तरह का मुद्दा जो था लगातार उठता रहा आप कुछ कहना चाहती हैं मेरा नाम अतुल्य है मैं केरला से हूं और सबरीमाला के बारे में मैं ये बताना चाहती हूं वहां काफ़ी टाइम से बैचलर्स को ज़्यादा प्रवोक किया जाता है कि 68 से ज़्यादा की महिलाएं वहां जा नहीं सकती हैं और अभी वुमेंस आगे बढ़ रही हैं सेक्स रेशियो भी केरला का सबसे ज़्यादा है देखा जाता है कि वुमेंस वहां पे ज़्यादा है तो मैं ये चाहती हूँ वुमेंस को कभी पीछे ना किया जाए और इस लॉ को आगे पास किया जाए इस तरह के कानून जो है वो आगे पास होने चाहिए लेकिन कानून की जब बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून ने पास भी कर दी कानून लागू भी हो गया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं मेरा नाम जीनिया कामिल है मैं यूपी बिजनौर से हूँ मैं एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मेरे नाम के साथ ये आता है कि हम लोगों की फेमिनिज्म अप्रोच नहीं है ऐसा नहीं है इस्लाम में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को
इम्पोर्टेंस दी गई है। मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं हिजाब नहीं पहनती, तो ये मेरा अपना ऑप्शन है। मेरे साइड में जो बैठी हैं वो हिजाब पहनती हैं, इनकी अपनी ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हम पे कोई फोर्स है या हम पे कोई ज़बरदस्ती की जा रही है या हमारे खुदा ने हमसे कुछ ज़बरदस्ती करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर मैं वुमेन अपनी एक फैमिली की बात करूँ, वुमेन इंपॉर्टेंस की, तो मेरी माँ ही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि मैंने उनको देख कर अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की है। वो एक इंडिपेंडेंट औरत है, मेरे पापा ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपके बेटों को आपने सही तरबियत दी है तो आपकी विमेन, आपकी बेटियाँ भी सही रहेंगी। तो इस अप्रोच को हमें निकाल देना चाहिए, हमें जजमेंटल अप्रोच को छोड़ देना चाहिए। एंड वी शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू, जैसे कि मैम ने कहा, अपने बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। राधा देन अपनी बेटियों को बोलें कि वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि कैसे एक औरत को सुरक्षित रखा जाए। थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है और तालियां तो बनती हैं। एक सोच जो है, उस सोच के साथ जब हम लोग चलते हैं, और सोच ये है कि कुछ नाम, कुछ लफ्ज, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको सुनते ही हमारे जहन में एक पूर्वाग्रह आ जाता है, प्रीजुडिस जिसे कहा जाता है। ये प्रीजुडिस जो है, ये कहां से आ रहा है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए? टीचर साहिबन का एक बार फिर रुख करते हैं। शैल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एक और मुद्दा जो है छेड़ना चाहती हूँ आपके इस माध्यम के जरिए। आज वुमेंस डे है तो स्वाभाविक है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर जो है अलग अलग पोस्ट आ रही हैं, और वहाँ पर हर पोस्ट में जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, यानी कि ये माना जा रहा है कि वो कमज़ोर हैं। चलिए, पर एक दूसरा जो है साइड भी है जहाँ हमें ये जानना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सशक्त हैं उनके लिए हमारा समाज क्या कर रहा है, क्योंकि वो इस लेवल पर पहुंचती हैं मेहनत कर, ठीक है, लेकिन इस लेवल पर जब मुसीबतें आती हैं तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता और वापस वो वहीं आ जाती हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, जो मुझे लगता है बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाएँ सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं या जो सशक्त हो चुकी हैं, वो किस तरीके से लंबे समय तक समाज में अपना रुतबा और खुद सशक्त होकर रह सके। ये एक सवाल है, और कहीं ना कहीं इशारा जो है, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वर्किंग वुमेन के बारे में अगर आप बात कर रही हैं, वर्किंग वुमेन के लिए अपने आप में अलग तरह की चुनौतियां हैं, अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हम लोगों ने अपने जहन में बना लिए हैं कि जो वर्किंग वुमेन है उन्हें तो पूरी आज़ादी मिली हुई है, वो तो घर से बाहर जा सकती हैं, वो तो पैसे कमा सकती हैं, उनके पास तो सारी अख्तियार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंकित कुछ कहना चाहते हैं? हमें यहाँ समझने की जरूरत यह है कि महिला दिवस मनाने के मायने क्या हैं। क्या महिला दिवस बनाने के मायने ये है कि 100 करोड़ रुपए खर्च कर दें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पर आप एक देश को ले चलें? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद आप संसद में महिलाओं की राजनीति में आरक्षण की बात करें? या अमेरिकी सांसद ने जो कल कहा है, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी सांसद जरूर हैं लेकिन इससे पहले वो सेना में रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण से उन्हें गुजरना पड़ा है। तो जैसे शैल ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ बात सिर्फ महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाने की नहीं है, यहाँ बात है विश्वास की, यहाँ बात है सोच के बदलाव की। और यहाँ सिर्फ विश्वास सोच बदलवा के उसको व्यवहार में अपना कर काम नहीं चलेगा, उसमें हमें उनके सम्मान की बात करनी पड़ेगी, हमें उनकी सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी, उनके अधिकारों की बात करनी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है और ये वैश्विक स्तर पर ये चुनौती है कि आप सम्मान की बात नहीं करते, आप अधिकारों की बात नहीं करते हैं, आप उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को लेकर उनको आड़े हाथों लेते हैं। तो सवाल ये है, इस पर बहस होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ये मायने होंगे। ये बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जितने आपने ऐलान किए वो ऐलान कहाँ लेकर जाते हैं, वो ऐलान किस तरीके से हम उन पर चल रहे हैं, या सिर्फ मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, और असल में ज़मीनी हकीकत जो है, धरातल पर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। मैम, आप कुछ कहना चाहिए? सर, मैं पॉजिटिविटी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने बदलाव होते हुए देखा है। मुझे याद है बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, टर्म हुआ करती थी चेयरमैन, तो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि चेयर वुमेन क्यों नहीं होता है, और आजकल मैं देखती हूँ चेयर पर्सन टर्म यूज़ किया जाता है। सिमिलरली कैमरामैन मेरे सामने खड़े हैं, आजकल हम कैमरा पर्सन टर्म यूज़ करते हैं। तो बदलाव हुआ है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। हैप्पी वुमेंस डे। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा और हथियार खुद से उठा लूंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रक्तमा, दिल्ली की। क्योंकि सब सोच बदलने की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुरु थे, गुरु वाल्मीकि बैनर्जी, मेरे डांस टीचर, तो एक बात कहा करते थे सोच से रिलेटेड, कि हमें बचपन से सबको एक चीज़ बोलना चाहिए कि धर्म हमारा एक है, वो है ह्यूमैनिटी, और जाति होनी चाहिए पुरुष महिला अन्य। हमारे लिए धर्म या जाति कुछ और नहीं, ये होना चाहिए बचपन से हर मनुष्य के लिए। तो वही बोलना चाहती थी मैं। थैंक यू।
ये एक और सोच है, ये एक नई थॉट है जो शायद हो सकता है जो लोग मेरी पीढ़ी के हैं, मेरे से बाद वाली एकदम पीढ़ी के हैं, वो इस सोच पर अभी तक ना पहुंचे हो। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जितने धर्मों में, जितने मजहबों में हमने पूरे समाज को बांट दिया है, उसी तरीके से हमने अपने दिमाग में कुछ सोच विकसित कर ली है, कुछ विचार विकसित कर लिए हैं कि ये इस मसले नहीं निकलेगा जब तक इक्वालिटी की बात जो है वो जहन में अच्छे तरीके से ना डाली जाए और उसको ना समझाया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुराग है, मैं बिहार से हूँ। मेरा ये मानना है कि सब यहाँ पे बोलने की बदलाव हमारी सोसाइटी में आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सोसाइटी में बदलाव ऑलरेडी आ चुकी है या आ रही, धीरे धीरे या आ रही है बदलाव। जैसे कि मैं जहाँ से मुंगेर से हूँ, तो वहाँ पे देखा वहाँ की जो मेयर है वो एक महिला है, वहाँ की जो MP है वो एक महिला है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में जो महिला है वो भी एक सारी शिक्षिका है, वहाँ पर महिला है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पर बदलाव आ चुकी है। दूसरे मजहब के लोग हैं तो उसमें ज्यादा आजादी होगी, या सिर्फ हमारे ही मजहब में औरतों का सम्मान होता है, बाकी किसी धर्म में औरतों का सम्मान नहीं होता? सवाल इस बात को लेकर है कि विश्व महिला दिवस क्या सिर्फ नारेबाजी के लिए है, जुमलेबाजी के लिए है, या ये महसूस करने के लिए है कि असल में जब हम महिलाओं की बात करें, जब हम ये कहते हैं कि आधी दुनिया है, तो क्या हम उस आधी दुनिया को बराबर का हक दे पा रहे हैं? क्या हम उसकी हकीकत में, उसकी उसकी जो शख्सियत है उसे अपने बराबर समझ पा रहे हैं? उसकी एग्जिस्टेंस जो है क्या उसको समझ पा रहे हैं? क्या उसे उतना स्थान, उतना स्पेस दे पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है? सवाल ये कायम है। आज बात की हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स से, उनके टीचर साहिबान से। मुद्दा अहम है, गंभीर है, लेकिन इस मुद्दे पर विचार चर्चा सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार होनी चाहिए। सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह पर होनी चाहिए, शायद तभी बदलाव होगा। दुष्यंत ने कहा था, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, अगर शौक में तेरे जोश रहा तो सारा जमाना बदलेगा, बेजार ना हो तस्वीर का जामा बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास पेशकश में। आपको कैसी लगी ये खास पेशकश, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फीडबैक भेज सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।